आज रांची नगर निगम की अहम बैठक है। बैठक में जल संकट से निपटने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाने पर होल्डिंग टैक्स में 1.5% दंड लगाने के प्रस्ताव पर भी विचार होगा। निगम के बैठक के हंगामेदार रहने के आसार हैं। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष सिन्हा हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। आशुतोष, जल संरक्षण बड़ी समस्या, शायद इसीलिए नगर निगम की ओर से इस तरह का प्रावधान किया गया है। जी राहुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से अब ऊपर अगर जिस तरह से कहा जाए कि राजधानी में जल संकट है और खास करके अब मई का महीना शुरू हो गया है, 10 तारीख है। इन 10 दिनों में भी अगर बात की जाए तो बारिश की लगभग ना के बराबर हुई है, हल्की छिटपुट बारिश हुई है। ऐसे में जल संकट और भी गंभीर होता जा रहा है। अमूमन देखा जाता था कि मई अप्रैल में भी अच्छी खासी बारिश हो जाती थी, मई शुरुआती दिनों में भी बारिश हो जाती थी, लेकिन अब तक बादल आ रहे हैं, राजधानी के ऊपर बादल छा रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है, जल संकट गहराता जा रहा है। इसको लेकर के आज जो है जो निगम बोर्ड की बैठक है उसमें पार्षद ये मुद्दा उठाने वाले हैं और मांग करने वाले हैं कि जो इनकी जो क्षेत्र जो वार्ड है उनमें जो पानी की जो आपूर्ति है वो नियमित की जाए, टैंकरों से जो पानी की आपूर्ति की जा रही है, मांग होने के बावजूद भी जो है समय पर पानी नहीं मिल पा रहा है उनके क्षेत्र के निवासियों को, तो ये कुछ मुद्दा उठाने वाले हैं। इसके अलावा जो PHD के जो पाइपलाइन है उसके द्वारा भी सप्लाई भी जो है बाधित है, क्योंकि पानी जो है हटिया डैम लगभग सूख चुका है। अमूमन आज की अगर बात करूँ तो आज जो है 6 फीट के आसपास पानी हटिया डैम में बचा हुआ है। हालांकि सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि और भी दूसरे स्रोतों से पानी लाया जाए, लेकिन अभी प्रयास है, ये सब मुद्दे उठ सकते हैं। इसके अलावा पिछले दिनों जिस तरह से निगम ने घोषणा की थी, निगम के आयुक्त ने घोषणा की थी कि एक संवाददाता सम्मेलन बुला करके कि अगर जो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग मई के महीने देखना दिलचस्प होगा। आशुतोष, क्या कुछ लबुलवाब रहता है बैठक का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।